सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापकों अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। हमारे जितने भी भाई बहन जिनका भी डीएलएड कंप्लीट हो चुका है या फिर जिनका भी सीटेट क्लियर है या जिन्होंने सीटेट फॉर्म को फिल किया था, एग्जाम दिया है, उन सभी के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। खासकर आपको पता है कि इस चैनल पर हमने डीएलएड के बच्चों को शुरू से पढ़ाया है, पिछले 5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं और हम यूपी टेट और सीटेट की भी तैयारी करवाते हैं अच्छे से और सुपर टेट की भी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए जो बिहार है, आपको पता है इसमें 2 फेज में भर्तियां हो चुकी हैं, अब यहाँ पर तीसरे चरण में भी भर्ती आ रही है और ये भी बहुत बड़ी भर्ती है। 71,000 शिक्षकों की भर्ती इसमें होनी है और सभी कैटेगरीज में, यानी कि प्राइमरी में भी, जूनियर में भी, डीजीटी पीजीटी, आपको सभी की वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है ये वैकेंसी और कब तक इसका पेपर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग ले जाना, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, इस साल मार्च से लेकर के अगस्त तक प्रदेश में 1.71 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि अगस्त में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का चौथा चरण होगा, लेकिन यहाँ पर जो परीक्षा अगले मंथ होने वाली है, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस चौथे चरण में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वे शुक्रवार को शिक्षक व इस पद के अभ्यर्थियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा अगस्त से पहले मार्च में भी यह परीक्षा होनी है। दोस्तों अभी मैं जो उन्होंने कहा है उसका वीडियो भी यहाँ पर मैं डाल दूंगी, आप उसको भी सुन लीजिएगा अच्छे से, ये वीडियो खत्म होने के बाद तो आप उसको ध्यान से सुन लीजिए। अभी मैं डाल दे रही हूँ इसको, अभी आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। इधर जानकारों के मुताबिक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 71,000 की नियुक्ति हो सकती है। इसके लिए फरवरी के आखिरी हफ्ते में वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियां मांगी हैं। बीपीएससी अभी तक 2 चरणों में शिक्षक बहाली की परीक्षा ले नियुक्ति करा चुका है। आपको पता है दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा व पहले चरण की पूरक परीक्षा फल के आधार पर 96,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इनमें 76,000 अभ्यर्थियों ने ही नियुक्ति पत्र लिया। दूसरे चरण में 1.22 यानी कि 1,22,000 रिक्तियां थी। अगर 1.22 लाख रिक्तियों में नियुक्ति पत्र लेने वाले 76,000 की संख्या घटा दी जाए तो 46,000 पदों के खाली रहने की संभावना है। नियुक्ति परीक्षा के दोनों चरणों में 25,000 नियोजित शिक्षक भी सफल हुए, यानी इतने शिक्षकों को अगर और घटा दिया जाए तो खाली पद यहाँ पर और बढ़ जा रहे हैं और 46,000 और 25,000 को जोड़ने से हमें कुल खाली पदों की संख्या 71,000 यहाँ पर मिल रही है। और भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो फर्जीवाड़ा में पकड़े गए हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका केवीएस में हो गया या कहीं और हो गया, जो जिन्होंने छोड़ दिया है सीट को या नौकरी नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी जिन्होंने छोड़ दिया है। तो ये जो सीटें हैं ये और बढ़ने की उम्मीद है। और दोस्तों 15 से 20 फरवरी के बीच में इसके आवेदन भी होंगे। जिनका डीएलएड पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपको पता अगर मैं केवल प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी के लिए क्लास 1 टू 5 आपको पता है केवल डीएलएड वाले ही पात्र हैं, तो 1 टू 5 में यहां पर डीएलएड वाले बच्चे भर सकते हैं और 1 टू 5 में भी अच्छी खासी यहां पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर आपने सीटेट की परीक्षा दी है तो सीटेट की परीक्षा का फल आ जाएगा, यानी कि परीक्षा फल आ जाएगा, आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा जब तक यहाँ पर ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलेगी, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कई सारे न्यूज़पेपरों में ये आज निकला हुआ, तीसरे चरण में भी आप देखिए 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी और यहाँ पर भी वही सारी बातें लिखी गई हैं कि यहाँ पर देखिए फरवरी के अंत तक वैकेंसी आ जाएगी और रिक्तियों की गणना भी अंतरिम रूप से नहीं हुई है और अच्छे से होगी, जिससे कंफर्म हो सके कि कितनी सीटें लगभग खाली हैं। यहाँ पर 71,000 जो यहाँ पर बताया जा रहा है ये लगभग बताया जा रहा है, एग्जैक्ट अभी कितनी सीटें खाली हैं ये अभी जब पूरा अच्छे से काउंट होंगी तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि 15 से 20 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको पता है कि चुनाव आने वाला है और चुनाव आचार संहिता अगर लग जाएगी तो कोई भी किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता आचार संहिता में, तो आचार संहिता से पहले पूरा प्रयास रहेगा बिहार सरकार का कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो आपने, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से वीडियो को देखा होगा और सुना होगा कि वहां पर भी यही चीज कही गई है स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर जो अगस्त में परीक्षा होनी है वो तो होगी, वो भर्ती तो होगी, उससे पहले यहाँ पर जो मार्च में परीक्षा होगी उसकी भी यहाँ पर उन्होंने रूपरेखा बता दी है कि फॉर्म कब से फिल होंगे और किस तरीके से वैकेंसी में कितने पद होंगे और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। अब आपको सोच सकते हैं कि कितना कम समय है आपके पास, अगर मार्च में पेपर होता है तो आपके पास बहुत कम टाइम है पढ़ने के लिए।
तो अभी से आप लोग लग जाइए और बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी खबर है अब आपको हम सभी खबर से अपडेट रखेंगे दोस्तों। तो चैनल से बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही तो आप कमेंट करिए। अगर आप चाहते हो कि मैं बैठ करके इस पर पूरा एक वीडियो बनाऊं, कितने लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या चीजें इसमें लगेंगी, कैसे कैसे क्या इसमें जो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट से उनके लिए कितनी सीटें हैं, इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप अगर कहोगे तो मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर ये शॉर्ट में आपको जानकारी देनी बहुत जरूरी थी। थैंक यू सो मच दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।